है गुजरात टाइटंस। गुजरात टाइटंस की टीम पिछली बार की फाइनलिस्ट, लास्ट बॉल से बच गई, लास्ट बॉल पे चौका, लास्ट दो बॉल पे छक्का चौका लग गया, तब सीएसके जीत गई। फुल स्क्रीन पे आइएगा, एक बार दिखाते हैं आपको गुजरात टाइटंस ने किस किस को खरीदा है और आपको बताएंगे 10 में से कितने नंबर हम देंगे। उमर ज़ई बहुत बढ़िया, इन्होंने 50 लाख, मात्र 50 लाख में। शाहरुख खान एक फिनिशर के तौर पर काफी टीम्स ने ट्राई करा, इंडियन प्लेयर भी है, 7.5 करोड़ में। उमेश यादव अगेन इंडियन प्लेयर, पेसर जो कि अच्छा कर सकते हैं आशीष नेहरा के साथ उनकी गाइडेंस में। उसके बाद सुशांत मिश्रा लिए हैं 2.2 करोड़ में, ठीक है। कार्तिक त्यागी एक फ्यूचर के लिए प्रोस्पेक्ट, जो कि शायद आरसीबी वालों को जाना चाहिए था, नहीं गए वो, कोई बात नहीं, लेकिन मात्र 60 लाख रुपए में कार्तिक त्यागी। उसके बाद मानव सुथार है 20 लाख रुपए में। स्पेंसर जॉनसन जहां पे अटक गए थे डीसीबी और गुजरात टाइटंस 10 करोड़ रुपए में, सबसे भारी पिक आज जो गुजरात टाइटंस ने करी है, उसके बाद शाहरुख खान है, लेकिन 10 करोड़ रुपए में एक और युवा खिलाड़ी, एक और फ्यूचर का खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन स्पेंसर जॉनसन को 10 करोड़ रुपीज में गुजरात टाइटंस ने खरीद लिया। उसके बाद एक कीपर रॉबिन बिन्स, जिसके लिए मुंबई इंडियंस ने पूरी जान लगा दी, लेकिन गुजरात टाइटंस ने बोला क्या तुमने इसको हार्दिक पांड्या समझ रखा है कि हम छोड़ते पैसे ही नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, तो रॉबिन बिन्स को भी यहां पर, और अच्छे बैटर हैं, कीपर भी है, तो गुजरात टाइटंस का भी ओवरऑल अगर आप देखें 1 2 3 कितने भाई ऊपर 6 8 प्लेयर खरीदे गुजरात टाइटंस ने। पिछली बार तो तगड़ी टीम थी, पहली इनकी टीम कंप्लीट है और बेटर हो गई। मैं इनको आज की ऑक्शन में 10 में से 8 नंबर देता हूँ, बहुत अच्छा करा इन्होंने, बुरा नहीं करा। गुजरात टाइटंस को 10 में से 8 नंबर। जी प्रियांशु, मेरे लिए 9 रहेंगे, क्योंकि इन्होंने, इनके बाद अगर आप बैटिंग में देखो, शुभमन गिल है इनके पास, रिद्धिमान साह है, साई सुदर्शन है, तो बैटिंग बहुत जबरदस्त है। इवन अगर खरीदा उसकी बात हो रही है, हाँ अगर खरीदी की मैं बात करूँ, जो अभी जो भी बाइज हुए हैं उसके अंदर आपने उमर ज़ई बहुत अच्छा बाय किया, बहुत जबरदस्त बाय किया, क्योंकि उमर ज़ई ने वर्ल्ड कप के अंदर उमर ज़ई ने 350+ रन बनाए थे ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर, और विकेट भी बहुत ली थी, तो वो आपका बहुत अच्छा बाय रहा। साथ ही में अगर हम बात करें यार, आपने वैल्यू फॉर मनी वाले बाइज करें ना, आपने ज्यादा पैसा नहीं खर्चा, बड़ा कंट्रोल पैसा रखा, और सबसे ज्यादा पैसा था आपके पास, आपने वहां पे बहुत बड़े अच्छा 10,000 दोस्त हमारे साथ अभी लाइव जुड़े हुए। प्लीज, हम सुबह 12 बजे से लाइव है, 9.5 घंटे का लाइव हो चुका है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा स्पोर्ट्स चैनल को। जी लक्षितवा, मेरे हिसाब से इन्होंने बहुत, मैंने दिए हैं 10 में से 8 नंबर, प्रियांशु ने दिया 10 में से 9 नंबर। जी मेरे को कोई नंबर काटने का यहाँ पे पॉइंट लग ही नहीं रहा, बिकॉज इन्होंने हर एक का बैकअप तैयार कर लिया। जोशुआ लिटल पिछली बार कभी कभी पिटता था, आपने स्पेंसर जॉनसन तैयार कर लिया, हार्दिक पांडे आपके पास गया, अजमतुल्ला उमर ज़ई जो सबसे बेस्ट था मिल गया, इंडियन पेस अटैक इनका ऑलरेडी बेहतर था शामी और मोहित शर्मा के साथ, ये वहां पर उमेश यादव ले आए, और इनके पास राहुल त्रिवेदिया का बैकअप भी ले आए शाहरुख खान के रूप में, और शाहरुख खान की फॉर्म मत भूलना, और स्पिनर का इनके पास, मेरे को कभी कभी लगता था इनके पास इंडियन स्पिन के ना वो ऑप्शंस थोड़े से कम है, तो मानव सुथर का यहाँ पर आना, और जब आपको बॉलिंग चाहिए तो आप इनसे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मानव सुथर को यूज कर सकते हैं, कोई भी कमी यहाँ पर मुझे लग नहीं रही है इस प्लेइंग 11 इस पूरी स्क्वाड में। 10 में से 10 आप देंगे, 10 में से 10 गुजरात टाइटंस को 10 में से 10। जी पांडे जी, मेरे हिसाब से बस एक नंबर काटूंगा 10 में से 9, बस एक वजह से, क्योंकि अब उमर ज़ई को ले तो लिया है, देखो हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट के रूप में उमर ज़ई को लिया, लेकिन उमर ज़ई को खिलाने के लिए इनको फिर अपना कोर डिस्टर्ब करना पड़ेगा, जो इनका कोर लगा हुआ था पिछले सीजन, जिसके साथ इन्होंने चैंपियनशिप जीती थी, अब उसमें से उमर ज़ई को आएंगे तो आप फिर किसी ना किसी को ड्रॉप करोगे, तो एक कोर जो है, एक ओवरसीज का कोर इनका, जहाँ पे राशिद थे, नूर, आपके केन विलियमसन भी खेलेंगे अब तो, डेविड मिलर, 4 आपके यही हो जाते हैं, फिर उमर ज़ई खेलेगा तो कोई ना कोई बाहर बैठेगा, और उस बीच में वहां पर आपका कोर डिस्टर्ब होगा। अगर यहाँ पर इन्होंने उमेश को लिया है, मोहित को लिया, शामी, अगर हम जो स्टार्टिंग 11 बनाते हैं तो उसमें से अगर आपने 4 खिलाने हैं तो ये फिर उसके बाद 3 इंडियन पेसर के साथ जाना पड़ेगा। हाँ। अब उसमें ये होगा कि शामी ठीक है, नो डाउट बहुत अच्छे बॉलर है, पर्पल कैप होल्डर, आप रिलाई कर सकते हो। मोहित शर्मा ने जो क्या पिछले सीजन किया था, क्या वो फिर से कर पाएंगे, रिमेन्स टू बी सीन। उमेश यादव हमने देखा है, देखो किसी मैच में जहां पे स्विंग मिलते बहुत अच्छा, लेकिन जहां पर पिटने लगता है तो फिर बहुत पिटाई होती है, तो इसीलिए थोड़ी सी कमी नजर आती है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि अगर हार्दिक पांड्या नहीं थे वो होते वहां पे, अगर हार्दिक पांड्या होते तो थोड़ा बेटर होता, लेकिन नहीं है, अब यहाँ पर कहने के इंडियन पेसर के साथ थोड़ा सा मामला फंस सकता है। प्रकाश, एक में दो पॉइंट मेरे जो रह गए थे, तो काश को ऐड करूंगा, सही बात है आकाश, उमेश यादव ना अहमदाबाद जैसे बड़े मैदान पर हमने उमेश को हमेशा चलते देखा है, पॉइंट नंबर एक, ये चिन्ना स्वामी जैसा छोटा ग्राउंड नहीं है। दूसरा पॉइंट, इनके पास एक ना दिक्कत थी कि विकेट कीपर के जो पॉइंट थे ना, आपके पास एक मैथ्यू वेड था और साहा था, वेड आपको ओवरसीज वहां फंसते थे, साहा की फॉर्म पिछले 2 सीजन में काफी अप डाउन रही है, और साहा की जगह जो ये भागी है रॉबिन मिंस के पीछे,
3,60,00,000 जिसको दिया है विकेट कीपर को, ये काफी अच्छा किया आपने रॉबिन मिंस को लेकर, बिकॉज साई सुदर्शन साहब ओपन भी कर सकते हो और रॉबिन मिंस को आप मिडिल ऑर्डर में खिला के उससे विकेट कीपिंग भी करवा लोगे, वो पावर हिटिंग भी कर देगा T20 के लिहाज से, इसलिए मुझे ये स्क्वाड बिल्कुल बेहतर लग रही है, कोई कमी नहीं। और पांडे जो आप कह रहे थे कि अजमतुल्लाह उमर साहब खेलेंगे कहां पर, जहां पर स्पिन वाला ट्रैक है वहां नूर अहमद खेलेगा, जहां तेज गेंदबाजों वाला ट्रैक है वहां पे अजमतुल्लाह उमर साहब को खिलाओ, आप सेट हो जी, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिए मेरे हिसाब से, वही यार मैं जीटी को 10 में से 8 दूंगा, 8.5 नंबर दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हार्दिक के जाने के बाद कंफ्यूज आ गई है, क्योंकि उमर जाही को भी ले लिया, रॉबिन मिंस को भी ले लिया, शाहरुख खान को भी ले लिया, मतलब इतने सारे, और ऑलरेडी आपके पास विजय शंकर पड़ा हुआ है, राहुल तेवतिया पड़ा हुआ है, और आपके अभिनव मनोहर पड़े हुए हैं, डेविड मिलर पड़े हुए हैं, तो सारे इन्होंने फिनिशर कैटेगरी के प्लेयर जो है वो भर लिए, टॉप ऑर्डर भी बढ़िया है, फिनिशर भी बढ़िया है, तो एक हार्दिक के जाने के बाद आपने इतना कंफ्यूजन कर लिया, एक मैच में ये नहीं चलेगा तो उसे लेकर आओगे, वो नहीं चलेगा तो उसे लेकर आओगे, तो उस हिसाब से मैं नंबर काटूंगा। और मैं एक पॉइंट से थोड़ा सहमत हूँ, जो पांडे का पॉइंट था कि ओवर जो आपके बॉलर्स हैं आपके मोहित शर्मा, मोहम्मद शमी और उमेश यादव, 2015 वर्ल्ड कप इंडिया का पेस अटैक, तो ये जो पेस अटैक है कहीं ना कहीं शमी की वजह से, और शमी भी जो 2 सीजन जीटी के लिए गए हैं क्या कर पाएंगे इस बार भी आईपीएल में, अगेन इन T20 ओडीआई टेस्ट बढ़िया है, T20 में रिमेंस टू बी सीन इस बार का भी, तो बॉलिंग अटैक पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो है मेरा, तो इस वजह से मैं तो नंबर काट रहा हूँ। ठीक है, कंफ्यूज को कोबरा देते हैं 10 में से 8, मैंने दिए 10 में से 8, लक्ष्य ने दिए 10 में से 10, पांडे जी ने 10 में से 9 और प्रियांशु ने भी 10 में से 9। चलिए आगे आ जाइए, इसके बाद आती है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस